में आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास डे स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल जो अपना रनिंग टॉपिक है उसमें पिछले वाली प्रॉपर्टीज से जो ओएच बॉन्ड क्लीवेज से रिलेटेड है उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स द ओएच बॉन्ड क्लीवेज ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल अपने रिएक्शंस पढ़ ली। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में इसी रिएक्शन में फास्टली हालांकि मैं आपको एसिडिटी ऑर्डर बता चुका फिर भी आपको वो नेम चेंज करके मतलब आपका एसिडिटी ऑर्डर का क्वेश्चन तो है ही बट ओएच बॉन्ड क्लीवेज वाला क्वेश्चन भी आपका बना सकता है कि ओएच बॉन्ड क्लीवेज किसमें जल्दी होगा उसका दूसरा मेनर क्या है आपका एसिडिटी है बट वो इस मेनर में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो देखिए अपन वही एल्कोहल की बात करते हैं CH3 CH2 OH और थर्ड की बात करते हैं 3 डिग्री की CH3 OH क्लियर। इन तीनों में जल्दी से आपका ये ओएच बॉन्ड क्लीवेज किसका होगा ओएच बॉन्ड क्लीवेज किसका होगा। अब देखिए इस ऑक्सीजन पर जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसकी बात कर रहा हूं मैं इस ऑक्सीजन पर जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही इजी गोइंग आपका हाइड्रोजन यहां से क्या होगा रिमूव होगा। वो कब होगा जब इससे अटैचिंग ग्रुप क्या हो विड्रोइंग ग्रुप हो क्या हो विड्रोइंग ग्रुप बट यहाँ मेरे को कहीं भी विड्रोइंग ग्रुप नजर नहीं आ रहे यहाँ पर सारे क्या है आपके रिलीजिंग ग्रुप क्या है बेटा यहाँ पर रिलीजिंग ग्रुप तो रिलीजिंग ग्रुप यहाँ भी प्लस आई है यहाँ भी प्लस आई है और यहाँ भी क्या है आपका प्लस आई है यहाँ प्लस आई कम है यहाँ प्लस आई ज्यादा है यहाँ प्लस आई और ज्यादा है तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर इसकी बात करूं मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं यहाँ पर तो उस कंडीशन में आपका ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इसकी वजह से रीजन क्या है आपका प्लस आई इफेक्ट से अपन ने इसको एक्सप्लेन किया है इसको एक्सप्लेन किया है प्लस आई इफेक्ट से क्लियर। तो ये अपना कंप्लीट हो गया कौन सा ओएच बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस के कंप्लीट आपके डाउट्स और रिएक्शंस क्वेश्चंस जो भी बने थे आपके वो सारे कंप्लीट हो गए। अब अपन मूव करते हैं बेटा सेकेंड टाइप रिएक्शंस में इधर मूव करेंगे अपन सेकेंड टाइप रिएक्शंस में मूव करते हैं अपन क्लियर। अब जो सेकेंड टाइप रिएक्शन से मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी किस टाइप की है सेकेंड टाइप रिएक्शन है आपकी रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इसकी बात कर रहा है आपका ये CO बॉन्ड की बात कर रहा है इसकी बात कर रहा है आपका CO बॉन्ड। अब देखो मैंने यहाँ पे एल्कोहल लिया है आपका RCH2OH इसका मतलब आपका पूरा पूरा यहाँ से OH रिमूव होगा क्या होगा OH रिमूव होगा। अब OH रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस आ जाएगा क्या है आपका ये बॉन्ड अगर आपका ब्रेक हो रहा है उस कंडीशन में क्या है आपका प्लस चार्ज आएगा और कार्बन पर अगर प्लस चार्ज आता है तो क्या बोलते हैं अपन कार्ब केटाइन क्या बोलते हैं कार्ब केटाइन। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं मैं आपको कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो आपके एल्कोहल है उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी तरफ क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड किसकी तरफ क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड क्या होगा आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इसके बेस पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन इसके बेस पर होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। और ये आप जानते हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल से जो कार्ब कैटायन बनेंगे वो क्या भी होंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्ब कैटायन होंगे और उनमें स्टेबल कौन होगा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी उसकी ज्यादा होगी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री क्लियर। तो इस रिएक्शन के टुवर्ड्स आपके तीनों एल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब यहां से अपन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं देखिए बेटा रिएक्शन क्या होगी
ये ऑर्डर्स आपके दोनों में दे रखे हैं, बीसवीं ऑर्डर आए थे आपके स्टिफिकेशन में, तो ये ऑर्डर्स आपको ध्यान रखने हैं। आपके 2019 के पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऑर्डर के एज इट इज पूछे थे, तो अपन को कोई भी चीज अवॉइड नहीं करनी है। अपना प्लस पॉइंट है कि अपनी बुक से बाहर कुछ भी नहीं आता है, जो भी है वो बुक के अंदर से ही आता है, बुक से बाहर कुछ नहीं है, इसलिए डोंट वरी, आराम से सारी चीज क्लियर करते चलो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपकी ए रिएक्शंस, रिएक्शंस विद हैलोजन एसिड, रिएक्शंस विद हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड को अपन किससे ले सकते हैं, HXN ले सकते हैं अपन, HXN। ये रिएक्शंस अपन पढ़ चुके हैं, मैंने थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में शायद आपसे कहा था कि आपको कनेक्शन ढूंढना है, जैसे आपके फिजिक्स में सर्किट होता है उसका कनेक्शन आपको बनाना होता है, बिगाड़ना होता है, ढूंढना होता है, उसी तरीके से कौन सी रिएक्शन कहाँ पड़ चुके, कौन सी रिएक्शन कहाँ आ रही है, ये चीज मैं स्टार्ट में बात कर चुका हूं कि कोई रिएक्शन आपकी किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी तो किसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी। अब देखिए बेटा, एल्कोहल की रिएक्शन ROH प्लस HX कोई भी एसिड हो सकता है, HCl, HBrH, HF अपन लेते नहीं है, रीजन पता है आपको, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। RH की रिएक्शन अपन यहां से करवाए, ध्यान दो OH यहां से जाना है, H आपका यहां से होगा, तो क्या फॉर्मेशन हुआ आपका RX, क्या है आपका ये हेलो एल्केन, क्या है आपका ये हेलो एल्केन, और प्लस क्या हो गया H2O का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर, विदाउट है, नहीं होना चाहिए। अब पर्टिकुलर यहां पर अगर अपन कोई भी एल्कोहल ले, जैसे अपन ने ले लिया C2H5OH, ले लिया अपन ने C2H5OH, इसकी रिएक्शन में तीनों टाइप के हेलोजन एसिड से करवाना चाह रहा हूं, तीनों टाइप के हेलोजन एसिड से करवाना चाह रहा हूं, तो देखो किस कंडीशन में होगी। ये लिया अपन ने C2H5OH, इसकी बात की अपन ने C2H5OH, बट देखिए कॉमन रिएक्शंस और पर्टिकुलर रिएक्शंस में कहीं कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती है, वो आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर, अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर लिया अपन ने HCl, इसकी प्रोटीन्स में ड्राई HCl की प्रोटीन्स, यहाँ लिया अपन ने HBr, इसकी परसेंटेज है आपकी 48%, यहाँ लिया अपन ने HI, इसकी परसेंटेज है आपकी 85%, इतनी है 85%। क्लियर, अब यहाँ पे प्रोडक्ट वही बनना है आपका, देखिए यहाँ से OH जाना है और इन सब का आपका यहाँ से H जाना है, तो देखो क्या बनेगा C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O, क्या ध्यान रखनी है आपको परमिशन। क्लियर, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ZnCl2, सॉरी HCl नहीं, ड्राई ZnCl2, क्या है ड्राई ZnCl2, और यहाँ पे HBr 48% अमाउंट ले रखा है, HI 85% अमाउंट में अपन ने ले रखा है, तो अपने पास में पर्टिकुलर क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, ये रिएक्शन थी आपकी कौन सी हेलोजन एसिड से, स्थिति बेटा ये हेलोजन एसिड से। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड रिएक्शन पर, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड वी रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड या क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड या ट्राई हैलाइड की बात करते हैं, इस रिएक्शन की स्टार्टिंग कहां से होती है, देखो बेटा पी प्लस एच टू, यहां बनेगा आपका पी एक्स थ्री, क्या बनेगा आपका पी एक्स थ्री, और यहां पर लिया अपन ने आर ओ एच प्लस पी एक्स थ्री, RH प्लस PX3,
तो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल कितने लेंगे अपन, थ्री मॉलिक्यूल। और ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके कहां पर, हेलो एल्केन फॉर्मेशन में, कहां पर हेलो एल्केन, सेम रिएक्शन PCl5 PCl3 से रिएक्शन, वहां कंडीशन है ध्यान दो बेटा, यहां पर इसमें कंप्लीटली आपका बनता है H3PO3, क्या बनता है H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, और अपने पास में क्या बन जाते हैं 3RX मॉलिक्यूल, क्या बन जाते हैं आपके 3RX मॉलिक्यूल। अब इसकी आपको इसी रिएक्शन ले लो, इसे लिया मैंने आपका CH5OH+PCl3, क्या ले लिया PCl3 ले लो, PBr3 ले लो, PI3 ले लो, कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको, 3 मॉलिक्यूल, ध्यान देना बेटा इसमें PCl3 PBr3 किसी वाले केस में आपको यहाँ पर एल्कोल में कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 3C2H5Cl+H3PO3 क्लियर, तो बन गया यहाँ पर इथाइल क्लोराइड, क्या बन गया बेटा इथाइल क्लोराइड, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, इसी की सेम रिएक्शन है बट वहां पर अपन पेंटा क्लोराइड की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं वहां पर पेंटा क्लोराइड की, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, इसकी बात करेंगे अपन फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, तो देखो ROH+PCl5 तो देखिए यहां पर सीधी रिएक्शन है, और इनका रिएक्शन का कनेक्शन ध्यान रखो बेटा, ये रिएक्शन अपन पहले पढ़ चुके हैं, इनमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम रिएक्शन है, रिपीटेशन अब आता जाएगा आपका जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे रिपीटेशन होता जाएगा, इसमें भी आपका वही बनेगा RCl+, बट यहाँ कंडीशन क्या है POCl3, क्या रिमूव होता है हमेशा POCl3, तो ये चीज ध्यान रखना PCl3 वाले केस में तो आपका रिमूव होता है ऑलवेज H3PO3, और PCl5 वाले केस में रिमूव होता है आपका POCl3, और साथ में क्या बन जाएगा आपका HCl, क्या बन जाएगा HCl, तो ये भी क्या हुई हेलो एल्केन, इसकी हेलो एल्केन फॉर्मेशन की रिएक्शन। तो अब तक अपन 3 रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, तीनों में आपकी क्या है हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये अपनी 2 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 3 रिएक्शन सॉरी, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं अपन, रिएक्शन विद थायरिल क्लोराइड, ये रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हो, रिएक्शन विद थायरिल क्लोराइड की बात करेंगे अपन, ये आपकी 4th रिएक्शन है, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, इसकी बात करेंगे रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, और आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो ये आपके एक नेमिंग रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये नेमिंग रिएक्शन है, और इसको अपन किससे है डार्जन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, किससे जानते हैं डार्जन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, तो देखिए ROH एल्कोहल, और यहां पे लिया अपन ने थायोनिल क्लोराइड SOCl2, क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, इसकी बात करेंगे अपन इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, क्लियर, तो यहां पर क्या फॉर्मेशन होगा वही RCl, इसका मतलब देखो आपको टोटल 4 रिएक्शन होगी आपकी हेलो एल्केन फॉर्मेशन के, 4 रिएक्शन अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी मैं आपको इसको इजी मेथड में सोल्व करवा दूंगा, SO2 बाहर रिलीज होगी, HCl भी बाहर रिलीज होगी, और अपने पास क्या बन जाएगा आपका RCl, इसको अपन इजी को लिखे देखे आप ROH, इसको ऐसे ना करके अपन देखो ऐसे समझ सकते हैं इसको ROH क्लियर S डबल बॉन्ड O Cl और ये Cl राइट, ये तो क्या बन गया आपका RCl,
ये क्या बन गया आपका HCl और ये बीच वाला जो मैटर है क्या बन गया आपका SO2। क्लियर हो रहा है? ये तो हो गया आपका RCl, ये हो गया आपका HCl और ये बीच वाला मैटर हो गया आपका क्या SO2, राइट। और इसको आपका एक बेस्ट मेथड कहा गया है। क्या कहा गया आपका? बेस्ट मेथड कहा गया, एक्सीलेंट मेथड कहा गया है। क्या फॉर्मेशन करने का? RCl हेलो एल्केन या एल्कलाइड फॉर्मेशन का बेस्ट मेथड कहा गया है, क्योंकि इसमें आपका ओनली हेलो एल्केन ही एज प्रोडक्ट आपको फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आपकी जो SO2 और HCl है ये आपकी रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर अपन को ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? RCl का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लियर? नेक्स्ट मेथड रिएक्शन पे अपन चलते हैं। आई होप ये रिएक्शन आपकी रिपीटेशन में चल रही है, आपको समझ में आ रही होगी। हो सकता है उस टाइम आपने ध्यान नहीं दिया हो, तो आप अभी इन रिएक्शन को रिपीटेशन में आप एल्कोहल में भी समझ सकते हो। आगे देखिए, रिएक्शन विद एमीन उनसी रिएक्शन विद एमीन सॉरी रिएक्शन विद अमोनिया सिलेक्शन करवाएंगे इसकी अमोनिया से, रिएक्शन विद अमोनिया। तो देखिए बेटा, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ROH। अमोनिया को अपन कैसे लिख सकते हैं? HNH2 लिख सकते हैं क्या? NH3 को लिख सकते हैं। कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा? OH बॉन्ड। यहां से क्या जाएगा? H। किसकी प्रेजेंस में होगी आपकी? ये ड्राई HCl की प्रेजेंस में, प्रेजेंस में ड्राई HCl और 573 केल्विन टेम्परेचर, 573 केल्विन टेम्परेचर। बेटा बता दूं मैं आपको, टेम्परेचर वाली कंडीशंस हर एक रिएक्शन में नहीं होती, बट जहां होती है वह मेंशन करना जरूरी होता है। बाय द वे, आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर अगर ध्यान नहीं रहे तो आप वहां पर हाई टेम्परेचर भी लिख सकते हो, अपना काम हो जाएगा। बट कोशिश करो कि एग्जैक्ट टेम्परेचर आप ध्यान रखो, प्रेजेंस आप ध्यान रखो, तो रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। अब आपको दिख रहा होगा RNH2 प्लस H2O क्या बन गया अपने पास में? एमीन। क्या फॉर्मेशन हो गया अपने पास में? एमीन का फॉर्मेशन हो गया। दैट मींस एल्कोहल रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एट द 573 केल्विन टेम्परेचर, दैट फॉर्मेशन एमीन, दैट फॉर्मेशन एमीन। आपकी लास्ट रिएक्शन का कौन सी? रिडक्शन। कौन सी? रिडक्शन। अब रिडक्शन इससे हो रहा है आपका रेड पी एच आई से, इससे हो रहा है आपका रेड पी एच आई से आपको रिडक्शन हो रहा है। रेड पी एच आई, रेड फॉस्फोरस एच आई, इट इज द कॉन्टेक्टर ऑफ एल्केन। क्या है ये? कॉन्टेक्टर ऑफ एल्केन। हमेशा किसी से भी रिएक्शन करवा दो, क्या फॉर्मेशन होगा? एल्केन। क्या फॉर्मेशन होगा? एल्केन। देखो ROH प्लस HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड पी, रेड फॉस्फोरस। कौन सा लेंगे अपन? रेड फॉस्फोरस। इसकी मॉलिक्यूल आपको हो जाएंगे यहां पर, देखो क्या फॉर्मेशन होगा आपका? RH। क्या फॉर्मेशन होगा आपका? RH। RH इसमें क्या हो गया? एल्केन। मैंने कहा था आपसे क्या है ये? कॉन्ट्रेक्टर ऑफ एल्केन, एल्केन ही बनाता है। यहाँ कुछ ही हो क्या बनाएगा? हमेशा एल्केन, और साथ में यहाँ पर क्या होगा? H2O प्लस I2 यहाँ पर रिमूव हो जाएगी, I2 क्या होगी? रिमूव हो जाएगी। इस तरह से आपकी ये सेकेंड टाइप की रिएक्शन जिनमें सब में OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है आपका, सॉरी CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। सारी रिएक्शन अपन ने वन बाय वन एक्सप्लेन की है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।